हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बेस्ट रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो तिल गुड़ का हमने लड्डू बनाया है, तो आप लड्डू भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, चिक्की, जिस तरह से बनाना चाहें उस तरह के आप बना सकते हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर प्रेस कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर चलिए तिल का लड्डू बनाने के लिए हमने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, घंटी वाले बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तिल का लड्डू बनाने का बहुत आसान सी रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने तिल ले लिए, तो लगभग हम यहाँ पर हमने 250 ग्राम के करीब में तिल ले लिए हैं। तो हमने सफ़ेद वाला लिए है, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने गुड़ ले लिए, तो गुड़ को अच्छी तरह से क्रश कर लिए हैं। तो जितना हम तिल लिए उतना ही गुड़ लिए हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, कढ़ाई चढ़ा के इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से कम हम गैस को करके और मीडियम गैस करके इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, बस हल्का से भुना आ जाए, अच्छे से खुशबू आने लगे तब तक इसको भून लेना है। तो यहाँ पर हमने तिल को भून लिया है, तो देख सकते हैं तिल मेरा भुना गया है। तो इस तरह से का हल्का सा हमने कलर चेंज किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं, बस तिल मेरा भुना के रेडी हो गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई पर यहाँ पर हम गुड़ डाल दिए और यहाँ पर हमने 2 चम्मच के करीब में हमने पानी डाल दिए। तो पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना होगा। पहले क्या होता था कि पानी ही डाल दिए बहुत सारा और चाशनी बन रहा है तो बहुत समय भी लग जाता है, इसलिए ज़्यादा समय अब लगेगा नहीं, बस कम समय में ही आपका तिल का लड्डू बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरह से चाशनी को हम बना लेंगे। तो चाशनी बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और बहुत टेस्टी भी बनता है। यहाँ पर क्या करना है, एक बॉल ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अब इसको क्या करना है, इसको चेक करना है। इसको हम देखेंगे कि चाशनी मेरा बन के रेडी है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा ये जमने लगा, तो अभी ये नहीं बना है, इसको हम थोड़ा सा और बनाएंगे चाशनी को। ये यहाँ पर ये चिपक रहा है, गोल तो बन गया है लेकिन चिपक रहा है। यहाँ पर क्या करना है, इसको और हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो चाशनी थोड़ा सा हम इसको बना लेते हैं, फिर एक बार हम इसको और चेक कर रहे हैं। तो अब चेक करके देखेंगे कि ये पूरा परफेक्ट चाशनी मेरा हुआ कि नहीं। इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि चाशनी मेरा जब टूटने लगे तो समझिए कि ये चाशनी हो गया। तो चाशनी मेरा रेडी हो गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा हमने खाने वाला सोडा डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है, अब डाले या नहीं डाले वो आपकी मर्जी, पर थोड़ा सा डाल देने से क्या होता है कि आपका तिल का लड्डू हो तो बिल्कुल क्रंची बनेगा। यहाँ पर तिल हमने डाल देना है, तो इसको अच्छे तरह से हम इसको मिला लेंगे। तो चाशनी में इसको तिल को बढ़िया से मिला लेना है। मिलाने के बाद ये जल्दी जल्दी इसको मिलाना पड़ता है। तो गैस को हमने बंद कर दिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा समय लगता है तो ठंड हो जाता है, ठंड से ये जमने लगता है, इसे जल्दी जल्दी बनाना होता है। यहाँ पर क्या करें, हमने प्लेट में इसको हम तेल लगा लिए हैं, इसको चम्मच के मदद से थोड़ा थोड़ा हम इसमें डाल देंगे क्योंकि आसानी से लड्डू बन जाएगा, क्योंकि गर्म होता है, गर्म में जल्दी जल्दी ही बनाना पड़ता है, नहीं तो आपको ख़राब हो जाएगा। तो चाशनी आप परफेक्ट बनाइएगा तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने एक एक करके सारे लड्डू हम बना लेंगे। इस तरह से अभी बनाइएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस ध्यान से आपको देख के बनाना होगा कि चाशनी मेरा पक गया, चाशनी आपका पूरा से बन जाएगा तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लड्डू भी बनाए हैं कुछ, यहाँ पर हमने तिल का चकली भी बनाया है। तब कुछ भी बना सकते, लड्डू बना सकते या उसका बर्फी भी बना सकते हैं बैठा के, कुछ भी बना सकते हैं वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हमने दोनों बनाया है, देख सकते हैं इतना अच्छा बन के रेडी हो गया, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, न टूटा है न बिखरा है, बहुत अच्छा से बन गया है। तो इस तरह से अभी लोग बना के ट्राई कीजिए और मकर संक्रांति में ज़रूर अपने घर में बना के ट्राई कीजिएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह से हम और नई रेसिपी लेके आएंगे। तो इस तिल गुड़
गुड़ का लड्डू बनके रेडी हो गया है। तो इतना अच्छा दिखने में लगता है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। बस सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, आप आसानी से घर में बना के खा सकते हैं। बच्चे लोग को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं बड़े। तो इस तरह से आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय।